प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 की प्रक्रिया आपकी जो है शुरू होने वाली है, इसके लिए आयोग को शासन की ओर से फटकार लगाई गई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये भर्ती की जो प्रक्रिया है आपकी 2 माह में पूरी की जाएगी। इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आयोग किस तरीके की रणनीति कर रहा है और कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा, साथ ही साथ कौन यानी कि कितनी परसेंटाइल वाले इसकी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जब भर्ती की प्रक्रिया 2 महीने के अंदर पूरी होनी है तो कॉमन सी बात है कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2021 के अंदर जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया हुई हैं सभी की सभी में एक चीज़ कॉमन थी कि आपका जो रिटन का एग्ज़ाम्स है उसकी डेट जो है एकदम से अचानक आ जाती है। पहले आयोग जो है असमंजस में रहता है, सेंटर नहीं मिल रहे हैं या उस तरीके की स्थिति बनी हुई होती है, फिर तुरंत के तुरंत एकदम से आपका एग्ज़ाम्स आ जाता है। आपने उत्तर प्रदेश SI के बारे में भी यही देखा होगा कि जब SI के लिए कहा गया था तो आयोग को लग रहा था कि दिसंबर में परीक्षा होगी या नवंबर के लास्ट से होगी, या फिर आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो फरवरी में भी हो सकती है, नवंबर दिसंबर में ना हो, लेकिन तुरंत ही एकदम से एग्ज़ाम डेट आ गई है और प्रक्रिया आपकी चल रही है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर लेखपाल भर्ती के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें साथ ही साथ बड़ा सवाल CCC का है, तो इसमें ज़्यादातर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आयोग इस बार जो है CCC की बाध्यता को यहाँ से समाप्त कर सकता है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके विज्ञापन के बारे में। तो देखिएगा, विज्ञापन आपका 100% आ जाएगा ये दिसंबर 2021 में। तो दिसंबर 2021 में आपका विज्ञापन 100% आ जाएगा, आप इसके लिए तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर दें। किन लोगों को करनी है परसेंटाइल के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कम से कम इतने स्टूडेंट्स तो इसकी तैयारी में जुट जाएं। दूसरी बात करते हैं कि दिसंबर 2021 तक इसका विज्ञापन आ जाएगा और संभावना यही है कि जनवरी या फरवरी तक आपका ये जो 2022 में आपकी आएगी ये भर्ती जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आयोग ने 2 माह में कहा है, तो 2 में नहीं भी हुई तो 3 माह में कम से कम ये भर्ती जो है कंप्लीट हो जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। दूसरी बात ये है क्योंकि इसमें जो है इतनी ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं रह जाएगी, छटनी PET के जो आपका रिजल्ट है एग्ज़ाम्स हुआ था उसके आधार पर हो ही जाएगी, तो ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं होंगे, OMR चेक करने में दिक्कत भी ज़्यादा आयोग को नहीं होगी, तो इसका जो रिटिन की प्रक्रिया है और परिणाम की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द आपकी प्रसारित कर दी जाएगी, तो भर्ती आपकी कंप्लीट होने में निश्चित ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरी बात करते हैं कि कितनी परसेंटाइल वाले यहाँ इसकी तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ पुस्तकें सुझाव देना चाहता हूँ। आप चाहे तो इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें हैं चक्षु प्रकाशन आगरा की ओर से। इसमें आपको गाइड बुक्स हैं और अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट की बुक्स भी हैं जो लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाय लिंक से जा कर के खरीद सकते हैं, आपके घर बैठे ये पुस्तकें आ जाएंगी। परसेंटाइल में यदि बात की जाए कि कितने परसेंटाइल पर आपका जो है यहाँ पर सेफ स्कोर माना जा सकता है, तो देखिएगा आयोग के मुताबिक अभी तक इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि वैकेंसीज के कितने गुना कैंडिडेट्स को जो है इसमें सेलेक्ट किया जाएगा या आगे के लिए मौका मिलेगा। आयोग ने एक ही बात कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है मौका दिया जाएगा इसमें आवेदन करने का, ताकि यहाँ से कोई भी अभ्यर्थी जो है इस तरीके की प्रक्रिया के लिए कोर्ट या उस तरीके के लिए चक्कर ना काटे, क्योंकि जो ये परसेंटाइल वाला मैटर था ये एडमिशन तक तो जो है बिल्कुल फिट बैठता था,
लेकिन जहाँ तक ये है, ये पहली बार इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आयोग के अनुसार लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ से चुना जाएगा, और 4 लाख अभ्यर्थियों में जहाँ तक मेरा मानना है कि परसेंटाइल यदि आपकी जो है 70 के आसपास है, 70% के आसपास है, तब जा कर के 4 लाख आवेदन हो पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आवेदन भी नहीं करेंगे, तो लगभग लगभग इतने आवेदन आपके हो पाएंगे, तो उनको जो है फिर बाद में सेलेक्ट किया जाएगा, आपका मेंस एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि मेंस एग्ज़ाम्स के जो एडमिट कार्ड हैं वो उन लोगों के लिए जारी किए जाएंगे जो शुरू के 4 लाख होंगे, चाहे आपकी परसेंटाइल 70 है या हो सकता है कि 65 तक भी आपका आ जाए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी इसमें जो हैं ऊपर वाले आवेदन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि 65% वाले भी इन 4 लाख के अंदर आ जाएं। तो कुल मिलाकर के यह है, यदि 70 से ऊपर आपकी परसेंटाइल है तो आप तो जो है लेखपाल के लिए अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके जो पैटर्न हैं वो बिल्कुल पुराने वाला ही रखा जाएगा, इसमें कई यूट्यूबर्स ने जो है नई नई तरीके से, जिस तरीके से पैट का पैटर्न था उसको कहा है कि उस तरीके का आपका जो है सिलेबस रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वही आपके सब्जेक्ट होंगे, ग्रामीण विकास होगा, सामान्य जानकारी होगी, गणित होगी, हिंदी होगी, और आपकी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25-25 क्वेश्चंस का आपका जो है 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। ट्रिपल सी के बारे में यदि बात की जाए कि ट्रिपल सी के लिए देखिएगा, आयोग ने स्पष्ट किया है कि ट्रिपल सी जो है शासन के द्वारा जो ये भर्ती की प्रक्रिया है उसमें प्रावधान इसका नहीं है, लेकिन आयोग ने जो पिछली भर्तियां कराई हैं उसमें वीडियो वगैरह में उसमें ट्रिपल सी आपसे मांग लिया गया था, तो उसको देखते हुए क्योंकि लेखपाल भी वहीं उसी विभाग से लगभग संबंध रखता है, तो ट्रिपल सी आयोग के अनुसार लगना चाहिए था, लेकिन जहां तक शासन की वो है तो शासन के अनुसार इस पद के लिए ट्रिपल सी की योग्यता नहीं है, जिसको लेकर के आयोग जो है कोई विवाद नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि स्टूडेंट जो है कोर्ट वगैरह में जाए, तो ट्रिपल सी की बाध्यता जो है यहाँ से समाप्त होने की संभावना है पूरी की पूरी, ये 75% चांस है कि ट्रिपल सी आपसे ना मांगा जाएगा, तो जिन लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है वो भी अपनी सुचारू रूप से तैयारी शुरू कर दें, और जिनके पास है तो उन्हें तो किसी प्रकार की कोई फिक्र करने वाली आवश्यकता ही नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको स्पष्ट हुई होगी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।